वेलकम 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 टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कड़ाके की गर्मी होने की वजह से पूरे भारतवर्ष में रेफ्रिजरेटर का डिमांड बढ़ गया है। हर कोई अपने लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि उसको कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा रेफ्रिजरेटर मिले, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो रेफ्रिजरेटर को परचेज कैसे करेंगे, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाहिए और कौन सा रेफ्रिजरेटर परचेज करना नहीं चाहिए। मार्केट में बहुत से रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, लोगों को इसको लेकर के बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन से पैरामीटर पे, किस आधार पे कौन सा रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाइंग गाइड के बारे में बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देख करके परचेज करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों को ध्यान रखना है रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाइंग गाइड के बारे में। सबसे पहले जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में जो इंसुलेशन होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब भी आप रेफ्रिजरेटर परचेज करने जाएं तो आप इस बात का हमेशा सुनिश्चित करें कि जो उसका इंसुलेशन है उसका क्वालिटी कैसा है। आप दुकानदार से बोलिए कि आपको इंसुलेशन के बारे में बताए कि वो कैसा क्वालिटी का है, ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, लो प्राइस रेंज में भी आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलता है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसमें इंसुलेशन का क्वालिटी बहुत बेकार होता है। इस वजह से आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो है वो 10,000 में भी अवेलेबल आपको मिलेगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर में जो इंसुलेशन दिया गया वो खराब है, बहुत अच्छा क्वालिटी का इंसुलेशन नहीं दिया गया, तो आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के दोनों साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, गेट के सामने में आप खड़े हो जाइए रेफ्रिजरेटर के, उसके लेफ्ट साइड को टच कीजिए और राइट साइड को टच कीजिएगा, तो कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाता है। नॉर्मल हीट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको टच करेंगे तो देखेंगे कि जिसका इंसुलेशन का क्वालिटी बहुत लो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और जब आप उसको टच करेंगे तो आपका हाथ जलने की भी संभावना होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अच्छे क्वालिटी के इंसुलेशन वाला रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो उसका जो साइड है, अगर आप गेट के सामने खड़े होते हैं उसके बाद अगर उसके दोनों साइड को टच करेंगे तो वो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा सा आपको वो गर्म दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेफ्रिजरेटर एब्सोल्युटली ओके है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल गर्म होना बहुत जायज है और ये ऐसा रेफ्रिजरेटर में होता ही होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो ये अंदर के एनवायरमेंट को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेंट जो है बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, और जिस वजह से आपका इनसाइड जो होता है वो कूलिंग होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का भाग कूल होता है और बाहर हल्का हल्का आपको गर्म दिखाई देगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, फ्रीजर और फ्रिज रेशियो। देखिए दोस्तों, बहुत से रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे जिसमें आपको फ्रीजर के रेशियो को बढ़ा करके बताया जाता है या फ्रिज के रेशियो को बढ़ा करके बताया जाता है। तो होता यह है कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें वो क्या करते हैं कि अगर फ्रिज के रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीजर के जो पार्ट होते हैं उसको डिक्रीज कर देते हैं, और अगर फ्रीजर के भाग को इंक्रीज करते हैं तो वो फ्रिज का जो पार्ट होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका रेफ्रिजरेटर इस साइज का है, तो अब अगर वो फ्रीजर वाले पार्ट को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो फ्रिज वाले पार्ट को छोटा करेंगे तभी होगा, और अगर फ्रिज वाले पार्ट को बढ़ाएंगे तो फ्रीजर का जो ये सेक्शन है आप देख रहे हैं वो छोटा हो जाएगा। आइडियल कंडीशन ये है कि अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करने जाते हैं तो फ्रिज टू फ्रीजर का जो रेशियो होना चाहिए वो 90:10 होना चाहिए, यानी कि 9:1 होना चाहिए, यानी कि 90% फ्रिज का भाग होना चाहिए और 10% जो है वो फ्रीजर का भाग होना चाहिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको किसी रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा फ्रिज का स्पेस दिया जा रहा है तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि उसमें फ्रीजर के रेशियो को डिक्रीज कर दिया गया है। ये मैं आपको पहले भी बताया, अब भी मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा आपको जो भी कैपेसिटी बताया जाता है फ्रिज का, कि आपको बताया जाएगा कि 150 लीटर का है या जो भी कैपेसिटी बताया जाता है, वो ग्रॉस कैपेसिटी होता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वो एक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है, वो ग्रॉस कैपेसिटी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
मोस्ट ऑफ केसेस में आपको यही सुनने को मिलेगा कि सारे रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन काम करते हैं, यानी कि उसमें स्टेबलाइजर का फंक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये बात आप ही समझ सकते हैं कि आपके एरिया में वोल्टेज कैसा है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आ रहा है तो आपको किसी भी हाल में, चाहे वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाला रेफ्रिजरेटर हो या फिर ना हो, किसी भी हाल में आपको अपने लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर को कंसीडर करना ही चाहिए। और करना इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रकम पे करना पड़ेगा फिर उसे ठीक करवाने के लिए। तो बेहतर है कि आप एक अच्छा स्टेबलाइजर को कंसीडर कीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में खराबी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रेफ्रिजरेटर में जो है इसको कंप्रेसर दिया जाता है और ये कंप्रेसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाता है। और अगर इसका कंप्रेसर खराब हो गया इसका मतलब रेफ्रिजरेटर उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन के हिसाब से स्टेबलाइजर को कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर को परचेज करने जाएंगे तो आप दुकानदार के मुंह से सुनेंगे कि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और ये डायरेक्ट कंप्रेसर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इन्वर्टर कंप्रेसर और डायरेक्ट कंप्रेसर में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। डायरेक्ट कंप्रेसर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कंप्रेसर के साथ आता है तो इसमें होता ये है कि जब आप इसे कूलिंग के लिए लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जो है सो हाईली पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो जब उसमें कूलिंग स्टार्ट होता है तो वो जीरो से शुरू होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते हुए वो पीक पे पहुंच जाता है। और जब वो पीक पे पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है और वो तब तक बंद रहता है जब तक कि कंप्रेसर को फिर से कूलिंग को मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े। जब आपके फ्रिज में कूलिंग घटने लगती है और कूलिंग कम होने लगता है तो फिर उसका इन जो डायरेक्ट कंप्रेसर है तो वो फिर से परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। ऐसे कंडीशन में होता है क्या है कि हमेशा ये होता है कि ये जीरो से शुरू हुआ वो पीक पे पहुंचा और फिर वो बंद हो जाता है, फिर से वो जीरो आया फिर से पीक पे गया। ऐसे कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। वहीं पे जब आप इन्वर्टर कंप्रेसर वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो ये कंप्रेसर जो है सो जीरो से कूलिंग को स्टार्ट करता है और पीक पे पहुंचता है और पीक पे पहुंचने के बाद भी आपका इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो वर्क करता रहता है और उसके अंदर कूलिंग को मेंटेन रखता है। इससे होता यह है कि आपके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग मेंटेन रहता है और साथ ही जो वोल्टेज होता है, जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी कम होता है। दोस्तों इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई रेफ्रिजरेटर मिल रहा है तो आप ऐसा रेफ्रिजरेटर को परचेज करें जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। इससे आपका फायदा है, एक तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा और दूसरा जो है कूलिंग वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि इतना सारे बात को बताने के बाद भी जब भी आप रेफ्रिजरेटर को चाहे ऑनलाइन परचेज करें या फिर ऑफलाइन परचेज करें, आप इस बात को हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके एरिया में उस ब्रांड का सर्विस सेंटर कैसा है। सपोज कीजिए आप जिस ब्रांड का रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहे हैं उसका सर्विस आपके एरिया में कैसा है। अगर आपके एरिया में उसका सर्विस अच्छा नहीं है तो फिर आप उस रेफ्रिजरेटर में अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे जनरली कोई दिक्कतें नहीं आती है रेफ्रिजरेटर में, लेकिन फिर भी आपको फॉर फ्यूचर तो सोच के चलना पड़ेगा। तो आप बेहतर होगा कि जब भी आप कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करने जाए उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आप अपने नियरेस्ट सिटी में जरूर चेक किया कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज करते वक्त, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको रेफ्रिजरेटर को परचेज करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और दुकानदार आपको कभी भी अपने पसंद का, अपने जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है, वो रेफ्रिजरेटर आपको सेल नहीं करेगा। और मैंने इन्हीं बाइंग गाइड को फॉलो करके आपके लिए बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 पे आने वाले समय में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करना है जिसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए जो मैंने आपको बताया, जो बाइंग गाइड बताया वो फॉलो होता हुआ दिखना चाहिए, तो आपके लिए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने पसंद के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं, वो भी 15,000 के प्राइस रेंज में। दोस्तों इससे बेहतर मौका आपके लिए और क्या हो सकता है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, जो आपके हार्ड अर्न मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने में मदद करता है। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।